आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना बेहतरीन हेयर रेमेडी, जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लंबा बनाएगी, घना बनाएगी। अगर आपके बालों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे हेयर फॉल होना, बालों का झड़ना, बाल अगर ड्राई हो रहे हैं, फ्रिजी हो रहे हैं, और अगर स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हेयर मास्क आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं खुद इस हेयर मास्क को यूज़ करती हूँ एंड आप यकीन मानना, आपको फर्स्ट टाइम के बाद ही आपके बालों में रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको ट्राई करो, रेगुलर लगाइए और इस हेयर मास्क से जितने फ़ायदे हो सकते हैं उठा लो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। दे आर फुल, दे आर पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। फ्लैक्स सीड्स में, जिन्हें हम अलसी भी बोलते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है, विटामिन बी होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपके बालों को सुपर सॉफ्ट, सुपर ग्लॉसी एंड सुपर हेल्दी बनाएंगे। फ्लैक्सीड जेल बनाना बहुत ही आसान है, मैंने एक वीडियोस पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको फ्लैक्सीड जेल बनाना नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, और साथ ही आई बटन पे भी ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि फ्लैक्सीड जेल कैसे बनाया जाता है। अच्छा, इस हेयर मास्क में जो सेकंड मेन इंग्रेडिएंट हमारा होगा वो होगा एलोवेरा। एलोवेरा यहाँ पे मैं फ्रेश जो लीफ होती है उसका जेल एक्सट्रैक्ट करूँगी। जो एलोवेरा होते हैं ये एंशिएंट टाइम से, सालों से यूज़ हो रहे हैं हमारे ये हर्बल रेमेडीज़ में, और ये बहुत बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। इट कंटेन्स मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हेल्दी बनाएगा, एंड साथ ही आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं उसको कंडीशन भी करता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ कंडीशनर ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली गुड फॉर योर स्किन बट इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर। इसके फ़ायदे, जो एलोवेरा के फ़ायदे यहीं ख़त्म नहीं हो जाते, ये आपके बालों की इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है। जो ब्रेकेज प्रॉब्लम होती है, अगर आपके बाल काफ़ी डेलिकेट हो गए हैं, स्ट्रैंड्स और जल्दी टूट जाते हैं, तो वो जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर, अगर आप जो एलोवेरा है उसको रेगुलर यूज़ करते हो, तो वो आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा और वो ब्रेकेज की प्रॉब्लम दूर करेगा। और अब जो मेरा थर्ड मेन इंग्रेडिएंट होगा वो होगा बनाना, केला। केले में भी बहुत से फायदे होते हैं आपके बालों को नरिश करने के लिए। बनानाज आर ऑल्सो पैक्ड विथ विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, बी, सी, ई। इसमें एकदम यू नो पूरा कॉकटेल ऑफ विटामिन्स होता है बनाना में, जो कि अगेन आपके ना ही सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है बल्कि आपके बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बनानास को रेगुलर अगर आप यूज़ करते हो अपने हेयर मास्क में, तो यू आर बाउंड टू सी अ ह्यूज डिफरेंस इन द हेयर टेक्सचर। अगेन ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। तो सारी बेनिफिट्स की तो बातें हो गई हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स के फ़ायदों के हमने डिस्कशंस कर लिए, अब हम देखते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे। मैंने यहाँ पे जो एलोवेरा फ्रेश लीफ थी ले ली थी अपने गार्डन से, उसको मैंने धो लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाहर गार्डन में था तो थोड़ी बहुत मिट्टी हो सकती है, तो डस्ट हो सकती है, तो उसको अच्छे से पहले आप साफ कर लो, पानी से धो लो। एंड साइड मैंने इसको मैं काट ले रही हूँ कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसको बीच से हाफ करूँगी अपनी लीफ को, और फिर इसमें से जो जेल है वो स्पून की हेल्प से निकालूंगी। एलोवेरा का जेल निकालना बहुत ही आसान है, बस ये आराम से आप देख सकते हो मैंने कैसे स्पून की हेल्प से इसका पल्प निकाल दिया, और अब मैं इसको अपने जो ब्लेंडिंग जार है, जो मिक्सर है, उसमें डाल के इसको चर्न कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा ना कि ये जो आपको दिख रहा है अभी थिक थिक सा लीफ का जेल, सॉरी ये जो पल्प, तो वो जेल ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये तैयार हो गया है, अब हम लेते हैं बनानास, जो केला, केले को मैंने रफली चॉप कर दिया है, उसका भी मैं पेस्ट तैयार कर दे रही हूँ इस तरीके से। अब हम लेते हैं एक प्लेन क्लीन साफ बोल, उसमें मैं डालूंगी जो मैंने फ्लैक्सीड जेल बनाया था, ये मैंने काफ़ी ढेर सारा बना के स्टोर करके अपने फ्रिज में रख लिया है, फर्दर जो भी रेसिपीज़ होती हैं मैं उसमें यूज़ करती रहती हूँ। तो जो मैंने फ्लैक्सीड जेल लिया वो इस क्लीन बोल में डाल दिया, और साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी बनाना एंड एलोवेरा का मिक्सचर। मैंने इसमें एलोवेरा भी मिला दिया है इसी बनाना के मिक्सचर में, तो ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद एक और चीज़ मुझे भी डालनी बाकी है, वो मैं बताती हूँ क्या।
जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैं डाल रही हूँ वो है कैस्टर ऑयल। हाँ, जो कैस्टर ऑयल है ये आपके बालों के लिए अगेन बहुत अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल रेगुलर लगाने से आपके जो बाल हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके रूट्स को ये स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है, जिसकी वजह से जो आपका हेयर ग्रोथ है ना वो प्रमोट होता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिसके जितने, जैसे अगर लंबे बाल हैं तो इन दैट केस ऑब्वियसली बात है कि आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर आपके छोटे बाल हैं तो आपको क्वांटिटी कम रखनी होगी। अपने हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो ये हमारा जो मेरे बालों के लिए ये काफ़ी है, सफिशेंट है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप इसमें ज़्यादा केला और ज़्यादा फ्लैक्सीड जेल और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। अब टाइम आता है एप्लीकेशन का, तो इसको आप अपने बालों में शैम्पू करने के पहले आपको ये मास्क लगाना है। लगा के एक घंटा छोड़ दीजिए, और एक घंटे बाद जैसे आप रेगुलर शैम्पू करते हो आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। ये आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। शैम्पू करने से पहले ज़रूर ये मास्क लगाइए। इसको लगाने से आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बाल बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट, बहुत शाइनी, ग्लॉसी होने वाले हैं, एंड साथ ही आपके बाल स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, तो और क्या चाहिए हमें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये रेमेडी अच्छी लगी होगी, आप ट्राई करोगे और मुझे बताओगे। वैसे तो आप मुझे बताते ही नहीं हो, लेकिन आई स्टिल, उम्मीद भी दुनिया कायम है, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। एंड विल मीट यू सून। एंड वन लास्ट थिंग, प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।